हो गया था नमस्ते आदाब सत श्रीकाल मैं हूँ सी ए संकल्प कांस टिया सुनना ध्यान से अगर आपका एस पी ओ एम का एग्जाम मे ट्वेंटी फाइव एंड बियॉन्ड है इन शॉर्ट देखो नवंबर ट्वेंटी फोर वालों को तो जिसको भी देना है उसको टेंथ अक्टूबर तक दे देना है सो आई एम श्योर दे आर ऑल डन बराबर है अब बचते हैं उसके बियॉन्ड वाले अटेम्प्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं सेप्टेम्बर में जिन्होंने इंटर का एग्जाम दिया है एंड वो पूछ रहे सर एसपीएम हम की हमारे को तैयारी स्टार्ट करनी है सो प्लीज गाइड अस मे 25 में जो भी है उनको तो सबको सेट ए सेट बी सेट सी सेट डी चारों सेट्स देने हैं सो लेट्स क्विकली डिस्कस दैट व्हाट इज गोइंग टू बी द स्ट्रेटजी एंड व्हेन टू गिव द एग्जामिनेशंस देखो अगर आपका अभी अटेम्प्ट ड्यू है मे 25 में देन इन दैट केस Obviously, in majority of the cases, आपको चारों देने हैं। बट उसमें से अभी तक फोकस आप का खाली set A, set B पे होना चाहिए, के लिए आपको कुछ 40 आवर्स का मैंडेटरी ट्रेनिंग करना पड़ता है कंप्लीट देम इमीजिएटली एकदम uh, क्या बोलू मैं आप लोगों को आप समझ जाओ मतलब पब्लिक तैयारी कर देता है उसमें कैसे भी करके uh, बोलते हैं ना स्टार्ट कर देता है वीडियो। एक आपको अपना कुछ ऑफिस का काम चालू कर दो और वीडियो चालू कर दो एंड uh, समझ गए हो गया ना अच्छी बात है सो दैट्स हाउ इट इज क्या बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन होने वाला है उस वीडियो से यू कैन वॉच आउट फॉर योर सेल्फ एंड यू रियलाइज दैट यार मजा नहीं है अनफॉर्चुनेटली सो so, क्या करना है उसको खाली देख लेना है मैंडेटरी है मैं एक वीडियो भी बनाने वाला हूं जहां पे मैं आपको बताऊंगा दैट यू you नो know, क्यों इंस्टीट्यूट ने ये रखा है उसका कोई लॉजिक भी नहीं है बट फिलहाल फोकस करते हैं जो अभी अपने हाथ में है तो सीए फाइनल एस सी पी एम कॉस्टिंग के ऊपर अगर मैं बात करता हूं आप लोगों को तो इट विल टेक अराउंड टेन टू ट्वेल्व डेज ऑफ प्रॉपर प्रेपरेशन एंड इट इज अ फुल एमसीक्यू पेपर मैं आपको बता दूं कि अभी जो पेपर का ट्रेंड है दैट बेसिकली इज अ एवरेज पेपर मेरी जो स्टूडेंट से रेगुलरली बात होती है ठीक है वो सब मुझे यही बता रहे हैं कि सर थ्योरी और प्रैक्टिकल का एक अच्छा कॉम्बिनेशन आ रहा है कुछ स्टूडेंट्स है जिनको थियोरी ज्यादा आ रहा है कुछ स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल ज्यादा आ रहा है बट इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ लेट थोड़ा पेपर का डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ गया है अगर आप लोग पहले के स्टूडेंट देखोगे तो इट वॉज अ वेरी सिंपल पेपर दैट वॉज कमिंग बिकॉज कोई भी चीज नहीं होती है इंस्टीट्यूट के लिए भी वो नई चीज थी है एसपीओ का एग्जाम सो द पेपर लेवल वॉज वेरी इजी एज इट इज क्वेश्चन आ रहे थे अब थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ते जा रहे हैं एज द थिंग्स आर गेटिंग ओल्डर सो इट इज बेटर कि अभी अपन लोग एग्जाम जितना जल्दी उसका तैयारी करके दे दे इट विल बी बेटर बिकॉज मेरा एलिजिबिलिटी ऑफ फाइनल एग्जाम इज बेस्ड ऑन दीज एस एग्जाम सो लॉ और कॉस्टिंग दोनों आपको क्लियर करना है ओनली देन यू बिकम एलिजिबल प्लस आपको ये दोनों एग्जाम्स के लिए लॉ और कॉस्टिंग का यूज आने वाला है इन योर पेपर सिक्स एज वेल विच इज आई बी एस इंटीग्रेटेड बेस्ड बिज़नेस केस स्टडीज के ऊपर भी सो so, वहां पे भी आपको ये यूज करना है सो डोंट टेक इट लाइटली आई थिंक ढंग से करना चाहिए अपने को ये सब्जेक्ट वहां पे पेपर सिक्स में अराउंड 15 मार्क्स 15 मार्क्स के लिए दोनों सब्जेक्ट का आएगा प्लस ओवरऑल वी शुड नो व्हाट वी आर स्टडींग अगर इसमें भी फिर बाद में एग्जाम देते हो नहीं क्लियर हो पाता है ऑबवियसली इट इज नॉट गुड फॉर आवर मोटिवेशन सो लेट्स डू इट सिस्टमैटिकली प्रॉपरली सो दैट वी आर कॉन्फिडेंट ओवरऑल फॉर द सी ए फाइनल सिनारी सर अब इसको कैसे अप्रोच करना है सो so ऑब्वियसली एक है कि आप लेक्चर्स ले लो सो so एक है मेरे फास्ट ट्रैक लेक्चर्स फिर क्या होगा सो इन टर्म्स ऑफ कवरेज कॉन्सेप्ट कवरेज तो मैं दोनों में सब चीजें कवर करता ही हूं बट ऑब्वियसली एटीआर रेगुलर बैच में हर एक सम मैंने करवाया हर एक केस स्टडी एमसीक्यू करवाया उसके बाद आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है खुद से अगर आपको लगता है कि भाई में डिसिप्लिन है और यू you नो know, अपने हिसाब से फास्ट ट्रैक देखकर बाकी चीजें आप लोग कर पाओगे जो रेपिटेटिव क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए हैं रेपिटेटिव एमसीक्यू या कॉन्सेप्ट है वो मैंने इंक्लूड नहीं किए तो वो अगर आप लोग खुद से मैनेज कर पाओगे देन यू कैन डेफिनेटली गो विद फास्ट ट्रैक सर अगर हम लोग लेक्चर्स ही ना ले तो अगर कोई बोलता है कि सर खाली लेक्चर से देख सकते हैं क्या सी यू कैन टेक योर ट्राई बट यू नो इफ इट इज टोटली फ्रेश सब्जेक्ट देन रिविजन लेक्चर्स तो रिविजन होता है ना ठीक है ना वो तो एग्जाम के वन पॉइंट फाइव डेज के लिए बनाए गए होते हैं ट्राई so uh, पहले कुछ स्टूडेंट बहुत सारे थे जिन्होंने एस सी एम पी का एग्जाम दिया हुआ था उन लोगों ने खाली रिविजन लेक्चर से पढ़ा दे क्लियर द एग्जाम के लिए मैं दे रहा हूँ कुछ श्योर शोर्ट टेन मार्क्स क्वेश्चन अप्रोक्सिमेटली फिफ्टीन टू ट्वेंटी है मेरे ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट गिवेन द एग्जाम ऑफ एस सी पी एम हैज वॉच दो मतलब ऑलमोस्ट लैक व्यूज के ऊपर है ये मैं देखो आपको दिखाता हूं So, ये देखो ये है मेरा यूट्यूब चैनल एंड इसका जो प्ले है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा सो डेफिनेटली यू कैन वॉच आउट दीज थिंग्स आफ्टर अ बेसिक लेवल ऑफ प्रेपरेशन इज डन सो अब इससे रिलेटेड और भी मैं काफी सारी चीजें से आप लोगों को अपडेट करते रहूंगा तो माई सजेशन इज दैट प्लीज स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल बेल आइकन क्लिक कर देना ताकि आपको कोई भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए एंड आई थिंक दैट विल बी बेस्ट फॉर प्लस आप लोगों को कभी कोई भी सब्जेक्ट में कहीं पे भी इसमें डाउट आता है स्पेशली रिलेटेड टू एस एंड एफ देन यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर कोई भी चीज के लिए एलिजिबिलिटी के लिए हो या कोई भी चीज के लिए हो सो तो आप मेरे को खाली एक व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हो एंड डेफिनेटली एंडलीट वन नाइन टू जीरो चलो तैयारी कर दो देखो कैसा है बताया क्या डिसिप्लिन रख के कंप्लीट कर दो हो जाएगा so, अगर लेक्चर्स नहीं लेना है खाली रिविजन से करना है वो भी एक शॉर्ट मार सकते हो बट एक बोलते हैं ना क्लैरिटी ऑफ थॉट अगर आपको चाहिए कि भाई क्या क्या चीजें है सिस्टमैटिकली अरेज वे में एंड दस जगह पे भागना नहीं है इधर उधर दस पीडीएफ देख रहे हो दस चीजें देख रहे हो हो वो नहीं कर रहा है लेक्चर्स विद एन अश्योरिटी दैट डेफिनेटली अपन पास हो जाएंगे right, so how, uh, मेरे हिसाब से अप्रोच होना चाहिए एंड फिर वही बुक्स आप लोगों को एग्जाम में पेपर सिक्स के लिए ले भी लेकर है तो वो बुक्स भी रहेगी तो आप पेपर सिक्स आई के लिए बुक्स भी लेके जा सकते हो सो दैट्स हाउ इट शुड बी तो अभी इमीजिएटली मेरे हिसाब से स्टार्ट कर देना चाहिए आपको प्रिपरेशन एंड एग्जाम के लिए तो भी अगर आपने एग्जाम सबसे पहला आपको क्या करना पड़ता है बताएगा एग्जाम का रजिस्ट्रेशन uh, कराना पड़ेगा सीए फाइनल वो जैसे ही करवाओगे फिर बाद में ऑटोमेटिकली आगे की चीजें स्टार्ट हो जाएगी फिर वो फालतू के आवर्स के जो इंस्टीट्यूट के है वो भी आपको करने हैं तो वो भी आपको करने को टाइम लगेगा सो so, करते करते तब तक यहाँ पे मेन स्टडीज आप स्टार्ट कर सकते हो एंड देन थिंग्स विल बी डन प्लस यू कैन प्लसो स्टार्ट विद विदीएम एस सी पी एम का कॉम्बो भी ले सकते हो तो आपके लिए वो भी एक बेनिफिशियल रहेगा एंड यू मे ऑल्सो गेट डिस्काउंट ऑन दीज लेक्चर्स एज वेल ठीक है ना सो so, आप कॉम्बो लेते हो तो uh, मेरा है शुभम सिंगल सर का लॉ का है फुल uh, इंग्लिश भी है मेरे लेक्चर्स में सो so, पीजे सर का फुल इंग्लिश है सो इफ यू सी य देर इज फुल इंग्लिश स्टे सब्सक्राइब जो भी नोटेंट है, है टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे दिया है प्लीज स्टे सब्सक्राइब टू द टेलीग्राम चैनल ऑल्सो चलो मिलते हैं अगले सेशन में विथ सम मोर नॉलेज विथ सम मोर थिंग्स विच विल बी हेल्पफुल फॉर यू बिकमिंग Chartered accountant. Astala Vista, keep smiling. Thank you so much. Take care. Bye bye.